हम लोग अपने विषय को अगर ले लिया आन और मान शान के रूप में, तो फिर हमें नहीं लगता है आज जो कोयला की भूमि जिसको काला काला देख रहे हैं, इसे लाल होने में समय नहीं लगेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव महज 3-4 महीने दूर हैं। साल के अंत में होने वाले इन चुनावों के लिए इस बार मैदान में गिरिडीह लोकसभा सीट से ताल ठोकने वाले जयराम महतो भी हैं। जयराम महतो विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में रोज दौरे कर रहे हैं। महतो झारखंड चुनाव में विवादित मसलों से दूर आम लोगों के रोजगार और आजीविका से जुड़े मुद्दों को काफी जोर शोर से उठा रहे हैं। अब महतो ने हेमंत सोरेन सरकार की रोजगार नीति पर तीखे सवाल दागे हैं। सोरेन सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग में जयराम महतो ने 28 लोगों की नौकरी पर सवाल दागे हैं। महतो ने सहायक नगर निवेशक के पद पर नौकरी पाने वालों के मूल जिले का जिक्र करते हुए लिखा है कि हेमंत सोरेन जी, यह कैसी नियोजन नीति है जिसमें 28 सरकारी नौकरियों में 17 बाहरियों को, क्या यही दिन देखने के लिए झारखंड को सालों के संघर्ष के बाद अलग किया गया था? आप एक तरफ आदिवासी मूल निवासी होने का ढिंढोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ झारखंडियों को बाहरियों से पिटवाते हैं। हाल ही में जयराम महतो ने एक सभा में BCCL को भी सीधी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि झारखंडियों के लिए 75% रोजगार सुनिश्चित किए जाएं। अगर आप झारखंडियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो कोयले की इस काली जमीन को लाल होने में समय नहीं लगेगा। तो इस बात को देखिए, इस बात को जान लीजिए, जीएम महोदय, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हम आपको जानते भी नहीं, आप कहाँ के हैं, लेकिन इतना मालूम है हमारे प्रदेश के नहीं है। ब्लॉक में बहुत माल छापा, 3%। तो इसलिए आपसे हमारी ना व्यक्तिगत शत्रुता है ना किसी प्रकार से शत्रुता है। हमारी मांग है 75% रोजगार सुनिश्चित हो झारखंडियों की। आप उस बंद कमरे में, एसी के महंगे कमरे में बैठकर क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, ये आपका विषय है। महतो ने कहा कि BCCL को दरियादिली दिखानी चाहिए, 75% नौकरियां झारखंडियों को देने के बारे में सोचना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड के सीधे साधे लोग धरने पर बैठे हैं। झारखंड की हरियाली कायम रहे, तो झारखंड की हरियाली कायम रहे उसके लिए आपको दरियादिली दिखानी होगी। किसी कमरे से बाहर आए, धरने पे जो लोग 75% नियोजन की मांग को लेकर बैठे हैं उनसे वार्ता कीजिए, इनके समस्या का निदान कीजिए, इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। और आज ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, ये बहुत ही निंदा का विषय है कि आज ये झारखंड के लोग हैं, ये झारखंड के लोग ही इसीलिए धरने पर बैठे हैं। अगर ये यूपी बिहार होता तो शायद आप लोग नहीं दिखते। झारखंड की राजनीति में जयराम महतो लगातार कंपनियों द्वारा जमीन अधिग्रहण, विस्थापितों को मुआवजा और नौकरी जैसी मांगें उठा रहे हैं। पहले भी जयराम महतो पर क्षेत्रवाद और दूसरे प्रदेशों से आकर झारखंड में बसे लोगों को डराने धमकाने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि उनका कहना रहा है कि वो किसी को भी डराने का काम नहीं करते। जो भाषा झारखंड की है उसे मान्यता मिलनी चाहिए। दूसरे प्रदेशों से आने वाले अपनी भाषा बोलें, अपनी भाषा में गीत गाएं, लेकिन मान्यता झारखंड की भाषा को मिले। झारखंड में सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलें, ये एक वाजिब मांग है। जयराम महतो फिलहाल झारखंड में एकला चलोरे की राह पर हैं। हालांकि भविष्य में उन्हें किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करने की दरकार महसूस हुई तो यही राजनीति उनकी राह का रोड़ा भी साबित हो सकती है। चुनाव आज तक।